नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं चुनाव की। तो हमारे बीच में झांसी के परगना के निवासी हमारे बीच में श्री माननीय श्री लक्ष्मी नारायण राजपूत जी चुनावी जनसंपर्क करते करते आज देवरा गांव के अंदर आए हैं जनसंपर्क के दौरान। तो हमारे बीच में देवरा गांव के भी ग्रामवासी मौजूद हैं और हमारे बीच में प्रत्याशी जी मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहां के देवरा गांव वालों से मुलाकात कराने ले जा रहा हूं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस गाँव के अंदर समस्याएँ क्या क्या हैं और सुख सुविधा क्या क्या है। तो हमारे बीच में देवरा गाँव वाले सभी लोग एकत्रित हैं, उनसे जानते हैं आखिरकार देवरा गाँव के अंदर सबसे बड़ी समस्याएँ क्या है। ऐसा नमस्कार, समस्या अंजला वगैरह की है, आरसीसी होने चाहिए गांव में और खाए और नल वगैरह हो जाए, आरसीसी बहुत जरूरी। जो गांव के अंदर का सब गांव के अंदर फिर गांव के अपने अपने निवार है, जिला पंचायत के भी प्रधान के भी। इस बार जिला पंचायत कैसा होना चाहिए आपकी नज़र से, जो आपके दुख सुख में आए? ऐसा होने चाहिए लक्ष्मी नारायण जैसे, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? आप बताओ किस प्रकार का जिला पंचायत चाहिए जो आपके दुख सुख में और एक फोन पे आ जाए? ठीक है ना, जो गांव का विकास होना चाहिए तो ऐसा उम्मीदवार हम लोग आने चाहिए। प्रधान जी राम राम, पहले प्रधान रह चुके, हमने सुनी आपसे। हाँ बिल्कुल। तो कैसा चाहिए आपको प्रधान भी और जिला पंचायत भी? बढ़िया प्रधान चाहिए, विकास का विकास, जिला पंचायत सदस्य। आज के हमारे बहुजन समाज पार्टी से जो लक्ष्मी नारायण की श्रीमती जी उषा देवी चुनाव मैदान में आ रही हैं, उनके लिए हम लोग साढ़े सात सौ। तो आपने भी खूब पंचायत देखो, खूब जिला पंचायत का बन गए, खूब प्रधान गए। तो जवाहर का है आपकी मनसा, क्या होना चाहिए जिला पंचायत? परगना वालों को बनाया जाए, परगना वालों को। आइए अब ले चलते हैं सीधे जो जनसंपर्क के दौरान हमारे बीच में प्रचार करते करते हमारे बीच में श्री राम बाबू जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी भी क्या राय है, कैसा माहौल नजर आ रहा है गांव के अंदर जनसंपर्क करते हुए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसा नजर आ रहा है, आप अनेकों गाँव में गए प्रत्याशी जी के साथ में, गाँव के अंदर कैसा माहौल नजर आ रहा है? हम अभी मोड़ कला छोटी मोड़ बड़ी मोड़ करके आए हैं और अभी देवरा में खड़े हैं और यहाँ के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं और यहाँ के जनता का ऐसा हमें सहयोग मिल रहा है, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग फ्री हैं बिल्कुल और हमारे प्रत्याशी जीत की ओर है। नमस्कार अजय राम जी। नमस्कार। क्या गांव के अंदर समस्याएं क्या क्या हैं जी? ये खंजड़ा वगैरह है जी, ये नाली वगैरह है। विश्वास है तुम्हें जिला पंचायत जो बन के आ जाओ और जो काम हो जाए तुम्हारे गांव के, है विश्वास पे? नहीं, हमें विश्वास है पूरा अपने लक्ष्मी नारायण राजपूत जी पे, अच्छे प्रत्याशी है। अच्छा। राम राम, क्या हाल है आपके? ठीक है यार। कैसा जिला पंचायत चाहिए तो तुम एक फोन लगाओ, थोड़ा चलो आए। हमें साफ पुलिया चाहिए। अच्छा, कौन सी पुलिया की बात कर रहे हो? बम्बिया की पुलिया है। अच्छा। नहीं नहीं, नहीं। जहाँ से पहले प्रधान रहा जिला, उनसे कहूँ नहीं कही आपने? मैंने कई काम नहीं बनवाई। अरे जो फिर चुनाव आगा नजदीक, जो चुनाव आ जाए जो पुलिया बन जाए। कैसा व्यक्ति हो जो आपकी पुलिया बना सके, को है आपकी नजर से? अच्छा, आप ही हो, आप आ जाओ तो बनवा दो हमें पुलिया। भाई साहब आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है, देवरा वालों की जो भी समस्या है, लक्ष्मी नारायण उनकी पत्नी उषा देवी मैदान में आ रही हैं। कौन है दादा आपने? जय गांव को देवरा के, आपने देख लीजिए कई पंचवर्षीय जा गांव के अंदर पानी मानी की समस्या है का नहीं है? स्कूल बच्चा पढ़वे शिक्षा वगैरह है, कहाँ तक स्कूल है? आज तक है जो फिर चुनाव आ गए नजदीक, वैसे कौन है आपके नजर से जिला पंचायत भी है प्रधान भी, लोग बाग लड़ा रहे हैं? किसी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हमको सही लगता है, सही लगता जो विकास कराता है, पिछली बार भी विकास अच्छा कराया। भाव जा गांव में पहले बार। अच्छा संतराम जी, आप बताओ जा गांव के अंदर शिक्षा की बात कर लें, चाहे खड़ंजा की बात कर लें, जल की बात करें, क्या क्या समस्या है? शिक्षा हो या खड़ंजा हो या मान या सम्मान, कोई भी चीज़ हो, हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे बीच में, हमें भरोसा है हमारे प्रत्याशी ही हमें जीत दिला सकते हैं जी। तो चुनाव में आ गया जाकर पहले देख भी आया गाँव के अंदर? नहीं आया हमारे ग्राम में, इनसे पहले इन्हीं के भाई को हमने मंजूर किया था इस पंचायत पर, तो उन्होंने इनके भाई साहब ने प्रदीप जी ने सारे काम खड़ंजा हमारे गांव में करवाया
और यहाँ से जाके चार गांव का रास्ता रुका हुआ था नाथ खास पर, वो पुल बनवाया। ऐसी कई चीज़ें उन्होंने दी हमें जो आज तक अभी नहीं हुई। भाई साहब कैसा नज़र आ रहा है आपको, अनेक गांव में हमने आपको देखा जनसंपर्क करते हुए प्रत्याशी के साथ में। हमको कैसा नज़र आ रहा है कि अभी हम लोग कई गाँव में घूम कर आए हैं और ये जो देवरा गाँव है यहाँ की जो सर्व समाज के लोग हैं, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, चाहे वो प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे वो पाल समाज के लोग हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति में, चाहे अरवार समाज के लोग हों, और जितनी भी सारी जातियां इस गांव में, चाहे हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हों, सारे लोगों को हमें समर्थन मिल रहा है। और समर्थन इसलिए मिल रहा है कि ये जो गाँव है इसमें पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य माननीय प्रदीप राजपूत जी थे, उन्होंने इस गाँव में दो तीन रोड देने का भी काम किया, यहाँ कब्रिस्तान बनवाने का भी काम किया, मरघट बनाने का भी काम किया। और यहाँ कर जो पुराने हमारे जो साथी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे श्री लखनलाल पाल जी, जो इस गांव से पूर्व प्रधान भी रहे हैं, इन्होंने भी, इनके कहने पर कई रोड यहाँ पर हुए। और यहाँ पर जो मानिय बहन जी ने जो सफाई कर्मी की जो नौकरी दी थी, तो इस गाँव से हमारे दो तीन गाँव में नौकरी भी हैं, हमारे प्रजापति समाज में भी है, हमारे रायकवार समाज में भी हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से, जिन्होंने जो वादा किया था कि सबका साथ और सबका विकास, वो कहीं ना कहीं उनका पूरा वादा झूठा साबित हुआ है। क्योंकि आज हमारे जो किसान भाई हैं, जो देश का अन्नदाता है, आज वो सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, और ये बहरी गूंगी जो सरकार है आज हमारे किसानों पर लाठी चलवाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर हमारे किसानों के ऊपर गोली भी चलवाई, उसमें हमारे दो तीन किसान भी शहीद हो गए। और हमारा जो आज छात्र है, आज उसकी पढ़ाई भी मारी जा रही है, और नौजवान सड़कों पर है, परेशान है, बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। और लॉकडाउन के नाम पर हमारे व्यापारियों को भी मारा जा रहा है, हमारे किसानों को भी मारा जा रहा है, मजदूर भाइयों को भी मारा जा रहा है। और मुझे लगता है इन्हीं के इसी के साथ जो भी हमारे सर्व समाज के लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय लक्ष्मीनारायण राजपूत जी में आशा व्यक्त करते हुए इन्हें भारी मत विजयी बनाएंगे। मुझे ऐसा तो कैसा माहौल नजर आ रहा है, जिला पंचायत की तैयारी हमारे बीच में कर रहे हैं प्रत्याशी जी, उनके साथ में आप कदम से कदम चल रहे हो, क्या देखने को मिल रहा है? हमारे भैया लक्ष्मीनारायण राजपूत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मूसा राजपूत जी चुनाव मैदान में हैं, वार्ड नंबर 4 सेमरी से जिला पंचायत के लिए। और मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जितने गाँव जिला पंचायत सीट के अंतर्गत आते हैं, मैं सभी सीटों पर, सभी गांवों में, गली गली मोहल्लों में, हर समाज में गया हूं। मुझे एहसास हुआ है कि जनता का रुख जो है वर्तमान में वो हमारे राजपूत जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और सभी लोग आशा रखते हैं कि हमारे बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी अगर जीत के आएंगे, तो जो बहुजन समाज पार्टी की सोच है, मजदूर और किसान, दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो कभी कोई उठाने वाला नहीं रहा सदियों से, उस आवाज़ को हमारे भाई जिला पंचायत में दुख दर्द को उठाएंगे और उसका निस्तारण कराएंगे, ऐसा आशा और विश्वास सभी के अंदर जो है जागृत हुआ है। और सभी लोग जब हम जिस गांव में जाते हैं, ऐसी सारी भीड़ हम लोगों के साथ समर्थन में आ जाती है। इससे मुझे आशा है कि हमारे भाई बहुत बहुत वोटों से जीतेंगे और अवश्य ही सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या जो है, जाए स्कूल की बाउंड्री हो जाए। ठीक, सही। तो नौ जिला पंचायत प्रधान करवा पाओगे तुम्हारी समस्या? हाँ, तो वही करवा देवे। लक्ष्मी नारायण राजपूत को और जीत जाए तो करवा देवे। बहुत अच्छे। ये थे ग्राम देवरा के निवासीगढ़, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं और सुख सुविधाएं भी बताई। अब ले चलता हूँ सीधे जो हमारे बीच में जिला पंचायत की तैयारियां बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है, श्री लक्ष्मी नारायण राजपूत जी, जो देवरा के अंदर जनसंपर्क के अंदर आ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनको भी कितनी खुशी मिल रही है ग्राम देवरा ग्राम वासियों से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। किस तरीके से नजर आया ग्राम देवरा के अंदर समस्याएं और इतना प्यार जो मिल रहा है? कई समस्याएं यहाँ पे हमने देखी है और उसका जैसे भी हमको मौका मिलेगा उसका निस्तारण किया जाएगा प्राथमिकता पे। सारे लोग हमको बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और मैं इनका सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगे इनसे आशा करता हूँ कि ये सारे लोग हमारे जिला पंचायत में हमारा पूरा सहयोग करके हमें जिताने में पूरा योगदान देंगे। इसी
गांव वालों की अभी हमने सुनी, सब लोग कह रहे हैं खड़ंजा भी है, पानी की समस्या है, स्कूल भी नहीं है, 8 तक स्कूल है। तो आपकी अगर इन लोग की सबकी कृपा हो जाए, गिर जाए बोर्ड और आप विजय होते हो, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी ग्राम देवरा के अंदर? पहली प्राथमिकता ये होगी कि जहाँ भी ज़्यादा कोई जो समस्या है उसको पहले हल किया जाएगा। जैसे खड़ंजा कई जगह हम देख के आए हैं, वहाँ पुलिया भी बनना है, उसको अपन देखेंगे। इसके बाद जो विद्यालय की इनने बाउंड्री की जो बात की है, उस विद्यालय की बाउंड्री का निर्माण कराया जाएगा, और जो भी समस्या हल्की फुल्की होगी उनका सबका निस्तारण हम अपने माध्यम से जितना भी हमसे बन सकेगा उतना हम करेंगे गाँव के लिए। क्योंकि गाँव वालों ने जो भी हमें समर्थन, जो भी हमें इनका वो मिल रहा है योगदान, उसके लिए हम सबसे पहले प्राथमिकता से काम करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार, संपादक देव न्यूज़ झांसी।